हाँ बापूजी, संजय फूफा जी को बता दिया है, वो बस लॉयर को लेकर पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मिस काव्या गांधी को भी बुला लीजिए, तभी तो झूठ और सच का फैसला होगा। आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, जाइए यहाँ से। मुझे कंप्लेंट लिखानी है इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति और उनकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ। लिखिए प्लीज। बोलिए। मेरा नाम अनुपमा शाह, मेरे पति का नाम वनराज शाह और मेरे पति की गर्लफ्रेंड का नाम काव्या गांधी। औरत की शिकायत पर आप तुरंत कार्रवाई करते हैं ना, तो लिखिए रिपोर्ट, बनाइए केस, मैं देती हूं आपको सारे सबूत। इंस्पेक्टर, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए तैयार हूं। क्या कहा आपने? मैंने गुस्से में आके कंप्लेन तो कर दी, बट देन आई रियलाइज्ड कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मैं इंस्पेक्टर, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहती हूँ। मजाक चल रहा है यहाँ? अरे आप लोगों ने पुलिस को समझ क्या रखा है? आप लोगों के लिए इतना आसान है कि किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर देना, इस बेचारे बच्चे की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती थी। आप जानती है ना कि अगर पुलिस केस हुआ तो उसका पूरा करियर, पर्सनल लाइफ से लेकर सोशल लाइफ, हर चीज पे असर पड़ सकता है। मैं कंप्लेन वापस तो ले रही हूँ ना इंस्पेक्टर। माफी कौन मांगेगा? हाँ, मेरे बेटे से माफी कौन मांगेगा? सॉरी समर। सॉरी बेटा, आप जा सकते हो। आप हमेशा कहते थे ना कि वनराज शाह सोया हुआ शेर, उसे मत जगाना, क्योंकि अगर शेर को गुस्सा आ जाए तो वो पूरे जंगल को बर्बाद कर सकता है। आज से ये बात भी याद रखिएगा कि एक माँ को अगर गुस्सा आ जाए ना तो वो पूरी दुनिया बर्बाद कर सकती है। इसलिए दोबारा इस मां को गुस्सा मत दिलाना। Thank you.
समझ आ गया। ठाकुर जी की कृपा है, तू वापस आ गया। क्या हुआ वहां? काव्या ने कंप्लेंट वापस ले ली, अब सब ठीक है। हाश बात खत्म कैसे हुई? बात मासी के बदतमीजी से शुरू हुई थी और माँ के गुस्से से खत्म हुई। अनु आंटी ने मासी को उन्हीं के लैंग्वेज में जवाब दे दिया। मम्मी सॉरी। काम करने दे ना समर। सॉरी मम्मी। काम करने देने समर। बाकी आ गई होगी, इसलिए जो अंदर नहीं कह सकता वो यहां कह रहा हूं। आज जो तुमने हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा काव्या। आज के बाद अगर मेरे बच्चों को तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आज तक तुमने सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड का प्यार देखा है। प्रे टू गॉड कि कभी बाप का गुस्सा ना देखना पड़े। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारी वजह से कभी अनुपमा के सामने मेरी नजरें नीची ना हो। आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। मम्मी मम्मी आई एम सॉरी ना मम्मी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए मम्मी, प्लीज मम्मी गुस्सा मत कीजिए मम्मी, प्लीज गुस्सा मत कीजिए मम्मी, समर काम करने दे, दूर हट। सॉरी मम्मी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ मम्मी, आपको मेरी वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, आपको इतनी तकलीफ हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मिस्टर शाह और काव्या को जो कुछ कहा मैंने उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना समर, क्या हासिल हो गया तुझे, क्या हासिल हुआ वहां जाकर? दुनिया में बच्चे कहीं भी अकेले नहीं जाते, उनके साथ उनके घर के संस्कार, उनकी परवरिश जाती है, और तेरे गुस्से से सिवा इस घर का सर झुकने के और कुछ नहीं हासिल होने वाला। तुझे क्या लगता है तेरे कुछ भी कहने से उन्हें कोई भी फर्क पड़ जाएगा? जरा भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे आपको फर्क पड़ता है ठीक उसी तरह मुझे भी फर्क पड़ता है। जैसे आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, मैं भी आपको दुखी नहीं देख सकता हूँ मम्मी। डांटने का हक सिर्फ माँ का होता है, लेकिन चिंता करने का हक बेटे का हो सकता है ना? जैसे आप मेरी चिंता करना नहीं छोड़ सकती मम्मी, ठीक उसी तरह मैं भी आपकी परवाह करना नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, तुझे अपनी मनमानी करनी है तू कर। तू भी तो करती है। वाह, हम इस बात पे बहुत झगड़ चुके, बहुत बात झगड़ चुके हैं, बहुत नहीं। मैं आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहती, आप मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए मत कहिए। आप लोगों को उनके बारे में बातें करना है कीजिए, बस मुझसे मत कीजिए। रोज वही बातें, रोज वही सवाल, मेरे वही जवाब। मैं थक गई हूं। सब कुछ संभालते संभालते, सुनते सुनते, सवालों के जवाब देते देते, लड़ाई झगड़े तमाशे से थक गई हूं। घर संभालू, घर के खर्चे के बारे में सोचू, नौकरी करूं, डांस क्लास चलाऊं या ये सब करूं, पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए बेटा। मम्मी प्लीज पी लीजिए ना। अरे जिद क्यों करती है, एक दिन पानी नहीं पीऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी।